आगरा के जिला अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए कवायदें शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, उसे व्यवस्थित करना भी शुरू कर दिया है। वहीं CMS A.K. अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित रोग लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीज आएंगे, उन्हें तुरंत वार्ड में भर्ती किया जाएगा और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी, वार्ड में बेड की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। आगरा से संवाददाता पवन तोमर की रिपोर्ट। जो भी बुखार का मरीज आ रहा है उसके खून की जांच कराते हैं, यदि जांच के हिसाब से लगता है, वैसे वायरल फीवर ज़्यादा आ रहा है सर, और सरकार के निर्देश के अनुसार 10 पलंग का हमने जो है डेंगू वार्ड भी तैयार करा दिया गया है, उस पर मच्छरदानी भी लगा दी गई है। तैयारी हमारी पूरी है, दवा पूरी है, जाँचें पूरी है हमारे पास, लेकिन मरीज अभी डेंगू का कोई नहीं आया। मच्छर से यह है कि मच्छर नहीं काटेगा तो एक दूसरे को फैलाएगा नहीं, मच्छरदानी अच्छी मानी जाती है और ये डेंगू वार्ड की एक रिक्वायरमेंट भी है जिसे पूरा करना होता है।